ग्वालियर में आधा किलो स्मैक के साथ पकड़े गए स्मैक तस्कर को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। जिला न्यायालय की एनडीपीसी कोर्ट नशा तस्करी करने वाले शफी मोहम्मद को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई। स्मैक तस्करी से जुड़ा ये मामला 4 नवंबर 2021 का एक क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर एक व्यक्ति स्मैक की बड़ी खेप लेकर ग्वालियर आ रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच ने दबिश दी और स्मैक तस्कर शफी मोहम्मद को आधा किलो स्मैक के साथ धर दबोचा। शफी के पास से लगभग 50 लाख रुपए की स्मैक जब्त की गई। जांच में सामने आया कि अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल की भी स्मैक की खरीद फरोख्त में संलिप्तता है। ऐसे में इन्हें भी आरोपी बनाया गया। शफी मोहम्मद और अयूब हुसैन के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हुआ। इस दौरान 12 गवाहों के बयान न्यायालय के सामने हुए। अब न्यायालय ने आरोपी शफी मोहम्मद को दोषी पाते हुए 14 साल का कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये 4 नवंबर 2021 की घटना है, जब क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मंदसौर से कोई व्यक्ति स्मैक की बड़ी खेप लेकर आ रहा है। क्राइम ब्रांच ने बड़े सरकारी को अवगत कराते हुए उप निरीक्षक नरेंद्र सिसोदिया अपने दल के साथ बस स्टैंड पहुँचे थे, जहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से आधा किलो स्मैक बरामद हुई थी, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 50 लाख रुपये थी, और उसकी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में स्मैक की अधिक मात्रा को देखते हुए पुलिस मुख्यालय नारकोटिक शाखा ने इस प्रकरण की विवेचना NCV इंदौर को सुपुर्द कर दी थी। उनके द्वारा विवेचक सुनील कुमार वर्मा ने इस प्रकरण की विवेचना की, जिसमें कि मौके पर पकड़े गए शफी मोहम्मद और बाद में इसकी कड़ियों को जोड़ते हुए अयूब हुसैन को आरोपी बनाया था, जिसमें आज विशेष न्यायाधीश NDPS कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने शफी मोहम्मद को 14 वर्ष के सत्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना दंडित किया है। अयूब हुसैन आज निर्णय दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उनके अधिवक्ता ने आवेदन पेश किया था, जिसको न्यायालय ने खारिज करते हुए रेड वारंट जारी कर दिया है, और शफी मोहम्मद घटना दिनांक से ही केंद्रीय कारागार ग्वालियर की न्यायिक निरोध में है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।